नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके बॉलीवुड एक्टर शिवसेना नेता गोविंदा आज सुबह दुखद घटना का शिकार हो गए। गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा को एक गोली अचानक ही गलती से लगी, वो भी ठीक उस वक्त जब वो घर से निकलने की तैयारी में थे। उनके हाथ से बंदूक नीचे गिरी और गोली चल गई। ऐसे में एक्टर का बायां पैर घायल हो गया है। इसके बाद उन्हें पास के क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद एक्टर की हालत में सुधार है। उन्होंने बयान जारी कर बताया कि गोली निकाल दी गई है। इस घटना की खबर मिलते ही गोविंदा की बहू कश्मीरा शाह उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। तमाम पारिवारिक विवादों को भूलकर बुरे वक्त में कृष्णाभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह अपने मामा ससुर को देखने के लिए अस्पताल पहुंची है। सामने आए वीडियो में उन्हें अस्पताल में अंदर एंट्री लेते देखा जा सकता है। मीडिया और कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीरा शाह अकेले ही अंदर जाती नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस के पति उनके साथ नजर नहीं आए। कश्मीरा के इस कदम की सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। कश्मीरा सभी मनमुटाव को भूलकर अपने मामा ससुर का हाल जानने पहुंची है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।